हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, कपूर आपने तो सुना ही होगा, पूजा पाठ के दौरान कपूर का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। पूजा पाठ के दौरान पूजा खत्म होने के बाद कपूर जलाने से दोस्तों 5 तरह के चमत्कारी फायदे देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कपूर सफेद रंग की गोली में आता है और इसका पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारे इंडिया में लगभग सभी हिंदू परिवार, हिंदू फैमिली में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसलिए यह सभी घर पर बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है। दोस्तों, कपूर का इस्तेमाल सामान्य तौर पर पूजा पाठ करने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल वैदिक पूजा तथा तांत्रिक पूजा दोनों में किया जाता है। दोस्तों, कपूर एक पदार्थ होता है जिसमें आग यानी कि फायर लगाने पर यह जलना शुरू हो जाता है। कपूर को अंग्रेजी में कैम्फर कहा जाता है। दोस्तों, कपूर का इस्तेमाल पूजा पाठ के अलावा तांत्रिक क्रिया में भी होता है। साथ ही इसका इस्तेमाल कई घरेलू टोटके तौर पर भी किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कपूर का इस्तेमाल दवा के तौर पर भी किया जाता है। साथ ही तांत्रिक क्रिया में कपूर का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है। कपूर का इस्तेमाल करके हम देवता की पूजा पाठ करते हैं और प्राचीन काल से ही कपूर का इस्तेमाल हिंदुओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कपूर एक सफेद पदार्थ होता है और दोस्तों, ये कपूर मुख्य रूप से दो तरह के इस्तेमाल में लाया जाता है। पहला कपूर भीमसेनी कपूर होता है और दूसरा कपूर कृत्रिम कपूर होता है, जिसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बनाया जाता है। जो कपूर नेचुरल होता है वो वजन में भारी होता है। तो दोस्तों, आइए जानते दोस्तों कपूर चलाने से 5 चमत्कारी फायदे। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, कपूर जलाने के 5 चमत्कारी फायदे। तो दोस्तों, नंबर 1, कपूर जलाने से आदमी धनवान बनता है। जी हाँ, अगर आप कपूर का इस्तेमाल करके धनवान बनना चाहते हैं तो इसके लिए जब आपकी रसोई का सभी काम पूरा हो जाए तो आपको दोस्तों एक कटोरी में अंदर कपूर और लौंग साथ में जलाना है। ऐसा करने से आपका घर हमेशा धन संपत्ति से बड़ा रहेगा। हालांकि इसे करने के लिए आपको गुरुवार के दिन का चयन करना है और इसे लगातार 11 गुरुवार तक आपको करना है। तो दोस्तों, ये करते हैं तो आप धनवान अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों, नंबर 2, कपूर जलाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवी देवता को कपूर काफी पसंद होता है। इसके लिए अगर आप देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको रोजाना, जी हाँ दोस्तों, आपको रोजाना सुबह और शाम पूजा करने के बाद देवी देवता की फोटो के सामने कपूर अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और दोस्तों, आपके ऊपर आ रहे जो भी संकट है वो अवश्य दूर होंगे और आपकी आसानी से इच्छा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अवश्य करें। तो दोस्तों, नंबर 3, दोस्तों कपूर जलाने से पितृदोष की समस्या खत्म होती है। जी हाँ, अगर आप अपने घर में पितृदोष की समस्या से परेशान है तो आपको इस समस्या से कपूर आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, पितृदोष को दूर करने के लिए आपको सुबह और शाम को घी में भिगोया हुआ कपूर जलाना है। ऐसा करने से आपको धीरे धीरे पितृदोष से कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में तरक्की होगी। तो दोस्तों, अवश्य कीजिएगा, इससे आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा और आपके रुके हुए काम अवश्य पूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अवश्य कीजिएगा। नंबर 4, कपूर जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। जी हाँ, अगर आप अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं तो आप उससे परेशान है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको रोजाना घर में पूजा करने के बाद कपूर जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और अपने घर के सभी कमरे में कपूर का धुआं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और आपके घर के अंदर सुख शांति का वास होगा। दोस्तों, आपके रुके हुए काम अवश्य पूर्ण होंगे। दोस्तों, एक बार नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा।
दोस्तों आपके सब शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों अवश्य करें। दोस्तों नंबर 5, कपूर जलाने से धन की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कपूर का टोटका करना होगा। इसके लिए आपको सोमवार के दिन गुलाब के फूल के अंदर एक कपूर का टुकड़ा रखना होगा और उसको जला देना होगा। दोस्तों आपको ये काम लगातार 21 सोमवार तक करना होगा। ऐसा करने से आपको निश्चित है धन की प्राप्ति होगी। हालांकि एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि गुलाब के फूल के अंदर कपूर को जलाने के बाद आपको गुलाब का फूल और कपूर दोनों को माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है। दोस्तों ये करने से दोस्तों आपके ऊपर भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेगी। ये कार्य करते हैं, ये काम करते हैं, कपूर जलाने का काम करते हैं तो दोस्तों महालक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेंगी। आपके सभी काम अवश्य पूर्ण होंगे, मन की इच्छा तुरंत पूरी होगी। तो दोस्तों देर किस बात की, अब तक नहीं किया है तो करना शुरू कर दीजिएगा, फिर देखो क्या क्या चमत्कार होता है आपके साथ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा।